नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। भगवान राम के भक्त तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक जानवर उनकी भक्ति में ऐसे लीन है जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की एक गाय की। वैसे तो ये एक साधारण गाय है, लेकिन प्रभु श्री राम की ऐसी भक्त है कि पिछले कई सालों से रामलला की परिक्रमा कर रही है। लोगों ने उसकी भक्ति को देखते हुए उसका नाम भी सरयू रख दिया है। उसे सभी सरयू गाय के नाम से पुकारते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में एक गाय सालों से करती है रामलला की परिक्रमा। भक्ति देख लोगों ने गाय का नाम रखा सरयू। कैसा भी मौसम हो, सरयू की नहीं बदलती दिनचर्या। सरयू की माता का भी है अनोखा किस्सा। कहते हैं अगर भगवान से मिलने की चाह हो तो राह मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ रामनगरी अयोध्या में, जहां 20 सालों से रामलला की आराधना कर रही सरयू नाम की गाय को आखिरकार उनके दर्शन मिल ही गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने खुद गाय को रामलला के दरबार में ले जाकर उनके दर्शन कराए। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर के बगल में बने पौराणिक सीता जी के मंदिर रंग महल में रहने वाली गाय सरयू से अयोध्या वासी बखूबी परिचित। पिछले 20 सालों से हर रोज गाय शाम 4 बजे रामलला की परिक्रमा करती है। जब परिक्रमा पूरी हो जाती है तो गाय रामलला की तरफ सर झुकाकर कुछ यूं खड़ी होती है, मानो रामलला को प्रणाम कर रही है। पिछले 20 सालों से गाय की दिनचर्या में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही वो इस स्थान को छोड़कर कहीं गई। गाय के भक्ति भाव को देखकर ही उसे स्थानीय लोगों ने उसका नामकरण सरयू नदी के नाम पर कर दिया। कैसा भी मौसम हो, सरयू की नहीं बदलती दिनचर्या। इस गाय की भगवान राम में ऐसी आस्था है कि कैसा भी मौसम हो, ये नियमित राम भक्ति की अपनी दिनचर्या नहीं भूलती और वो ऐसा कई सालों से कर रही है। लोग बताते हैं कि सरयू गाय ने जब रामलला की परिक्रमा का क्रम शुरू किया तो लोगों ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने गौर किया तो देखा कि सरयू नियमित रूप से एक निश्चित समय के आसपास रामलला की परिक्रमा करती है और ये क्रम रोज ही होता है। इसके बाद रामलला की परिक्रमा में सरयू को कोई बाधा नहीं आए, इसकी व्यवस्था लोगों ने कर दी। सरयू की माता का अनोखा किस्सा। रामलला में सरयू की भक्ति का श्रेय उसकी माता को जाता है, जिसका नाम श्यामा था। श्यामा गाय के विषय में कहा जाता है कि ये भी भगवान की भक्त थी। श्यामा गाय एकादशी के दिन व्रत रखती थी। मंदिर में रहने वाले संतों ने जब गौर किया तो उन्हें पता चला कि श्यामा एकादशी के दिन कोई आहार नहीं लेती है। इसके बाद संतों ने ये व्यवस्था कर दी कि एकादशी के दिन श्यामा गाय को फलहार मिले। श्यामा गाय ने अपनी मृत्यु के समय तक एकादशी व्रत का पालन किया। रंग महल मंदिर में रहने वाले संतों का कहना है कि एकादशी व्रत के पुण्य से ही श्यामा गाय ने सरयू को जन्म दिया। हालांकि सरयू गाय के बारे में एक रहस्य ये भी है कि ये गाय कामधेनु गाय की वंशज है, और कहा जाता है कि कामधेनु गाय की हर एक पीढ़ी में एक गाय ऐसी होती है जो परिक्रमा करती है, और इस पीढ़ी की वो गाय सरयू गाय है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद उन्हें जब अस्थायी भवन में विराजमान किया गया, तब सरयू नाम की राम भक्त गाय को भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिल गया। रामलला के स्थान पर भोग लगाकर गाय को प्रसाद भी खिलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा।